बॉलीवुड की सिंपल और क्यूट अभिनेत्री के नाम से जानी जाने वाली अभिनेत्री श्रद्धा कपूर इस साल फिल्म स्त्री 2 देकर छा गई हैं। इस फिल्म को लोगों ने काफी ज्यादा प्यार दिया। इस फिल्म के साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई फिल्में रिलीज हुई, लेकिन सभी फिल्मों ने स्त्री 2 के आगे घुटने टेक दिए। सभी फिल्में स्त्री 2 के आगे फेल साबित हुई और स्त्री 2 रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। इस फिल्म ने कहानी के दर्शकों को बांध कर रखा। खास बात इस फिल्म की ये भी थी कि फिल्म की कहानी हॉरर और कॉमेडी थी। इस फिल्म ने लोगों को इस कदर अपना दीवाना बनाया कि लगातार लोग इस फिल्म को देखते रहे और लगातार कई दिनों तक ये फिल्म सिनेमा घरों में चलती रही। वहीं इस फिल्म का गाना तू आई नहीं वो भी काफी ज्यादा हिट रहा। वहीं इस गाने पर काफी रील्स भी बने थे। तो इस तरह से ये फिल्म लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई और ये फिल्म हिट भी रही। वहीं अब इसी के साथ आपको हम बता दें कि श्रद्धा कपूर को लेकर एक बार फिर से चर्चा होनी शुरू हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि बॉलीवुड में साल 2024 श्रद्धा कपूर के नाम रहा। जी हाँ, इस साल की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म देने वाली हीरोइन श्रद्धा कपूर ही रही। श्रद्धा कपूर ने स्त्री 2 के जरिए बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाया है। अब श्रद्धा कपूर बॉलीवुड की एक सुपरहिट फिल्म के सीक्वल में अपने डांस से गर्दा उड़ाने वाली हैं। जी हाँ, बीते दिनों रिपोर्ट आई है कि श्रद्धा अपकमिंग फिल्म पुष्पा 2 में आइटम सॉन्ग करने वाली थी, लेकिन उनके हाथ से ये फिल्म निकल गई थी। अब श्रद्धा कपूर बॉलीवुड की सुपर हिट फिल्म वॉर की सीक्वल वॉर 2 में नजर आने वाली हैं। फिल्म में श्रद्धा कपूर आइटम सॉन्ग के जरिए गर्दा उड़ाने के लिए तैयार हो गई हैं। डायरेक्टर अयान मुखर्जी के फिल्म वॉर 2 अगले साल 14 अगस्त 2025 को रिलीज के लिए तैयार है। इससे पहले साल 2019 में आई इस फिल्म का पहला पार्ट बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रहा था। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ स्टारर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी और साल की तीसरी बड़ी सुपरहिट फिल्म रही थी। अब इस फिल्म का अगला पार्ट बनकर तैयार है। फिल्म में ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी लीड रोल में नजर आने वाले हैं। तो वही रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म में श्रद्धा कपूर आइटम सॉन्ग से जलवा बिखेरते हुए नजर आने वाली है। बता दें कि श्रद्धा कपूर ने अपने 14 साल के करियर में कई सुपरहिट फिल्में दे चुकी है। साल 2024 में श्रद्धा कपूर बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपरहिट हीरोइन रही। श्रद्धा की फिल्म स्त्री 2 अब तक इस साल की दूसरी सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म रही। इस लिस्ट में पहले नंबर पर प्रभास की फिल्म कल की शामिल है। इसके बाद बॉलीवुड में श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री 2 सबसे बड़ी हिट रही। वहीं अब श्रद्धा कपूर कई अहम प्रोजेक्ट्स में भी नजर आने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें कि फिल्म पुष्पा 2 में आइटम सॉन्ग पर डांस करना श्रद्धा के हाथ से तो फिलहाल निकल गया है, लेकिन उस खबर से श्रद्धा के फैंस काफी निराश हो गए हैं। फिल्म पुष्पा 2 को देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस फिल्म के पहले पार्ट ने काफी ज्यादा सफलता हासिल की थी और ऐसे में इस फिल्म का पार्ट 2 आना दर्शकों के दिलों की धड़कनों को बढ़ा रहा है, क्योंकि इस फिल्म को देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे में जब इस फिल्म में श्रद्धा कपूर आइटम सॉन्ग पर डांस करती हुई नजर आएंगी तो ये फैंस के लिए और ज्यादा खुशखबरी रहती। बहरहाल आपको बता दें कि फिलहाल तो श्रद्धा कपूर पुष्पा 2 में नजर नहीं आने वाली है, लेकिन ये तो कन्फर्म हो गया है कि अब वो फिल्म वॉर में नजर आने वाली है और फैंस अब फिल्म वॉर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि श्रद्धा कपूर आइटम सॉन्ग फिल्म वॉर 2 में दर्शकों को कितना पसंद आती है।